बैक दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में जैसे कि आप देख सकते हो, वेक्टर स्कूल टैंक इंस्टॉल किए हैं। देखिए, तीन टैंक हैं, एक 1000 लीटर के। ये देखिए दोस्तों, इसका पूरा सेटअप मैं आज की वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हैं दोस्तों, ये AB इंजीनियर ग्रैंड फोर्स का प्रेशर पम्प लगाया है। प्रेशर पम्प चालू है, ये देखिए एकदम ऑन है। प्रेशर मीटर में ये देखिए दिखा रहा है, 35 PSI प्रेशर इसके अंदर है भी। और आप देख सकते हैं दोस्तों, ये प्योरीफायर, हमने वाटर प्योरीफायर इंस्टॉल किया है। तो ये कैसे क्या किया है दोस्तों, इसकी सबकी जानकारी मैं आज की वीडियो में आपको देने जा रहा हूँ। और आप कोई भी अपने घर पे इंस्टॉल करना चाहते हैं तो ये जानकारी उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। सबसे पहले दोस्तों, आप जैसे कि देख सकते हो कि हमने प्योरीफायर जो इंस्टॉल किया है दोस्तों, ये आईनॉक्स सुप्रीम, ये देखिए आईनॉक्स सुप्रीम का दोस्तों ये प्योरीफायर है। इसमें फ़िल्टर 1, F1 देखिए, फ़िल्टर 1, फ़िल्टर 2, फ़िल्टर 3, फ़िल्टर 4, ये चार फ़िल्टर हैं दोस्तों इसके अंदर। ये चार फ़िल्टर लगे हैं और इसके अंदर 2 मीटर हैं दोस्तों। 1 मीटर ये दिया है, एक ये दिया है, दो मीटर दिए हैं दोस्तों। इसको हमने दीवार पे हैंग किया है दोस्तों, ये देखिए इस तरीके की दीवार बनवा के। अब इसको इंस्टॉल कैसे किया है दोस्तों, सबसे पहले उस पर आते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी मोटर की मेन लाइन थी जो पहले से कनेक्टेड थी दोस्तों। तो मेन लाइन को दोस्तों आप देखते हैं, जैसा कि हमने इसमें एक वॉल डाला है, वॉल को हमने बंद कर दिया है और इसमें से टी डाल के कनेक्शन ले लिया है दोस्तों। ये देखिए इसमें एक वॉल डाला है, बाकी इधर यूनियन डाला है, यूनियन डाल के इनपुट हमने इसमें दे दिया है दोस्तों। ये देखिए इसमें वाटर इन लिखा है दोस्तों, ये देखिए वाटर इन लिखा है, इसमें इनपुट दे दिया। यहीं से दोस्तों देखिए लिखा है वाटर आउट, आउटपुट हमने MT डाला है इसमें 1.5 इंची का, फिर रिड्यूसर करके 1.25 इंची की लाइन डाली है, फिर यूनियन डाला है, फिर एक वाल डाला है दोस्तों। तो ये अब ये दोस्तों डायरेक्ट वहाँ से बंद करके देखिए दोस्तों, ये वाल बंद है। जब भी मोटर चलती है उधर से सीधा पानी प्योरीफायर होकर टैंक के अंदर चला जाता है दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों उसको डायरेक्ट सिस्टम। अब भविष्य में कभी दोस्तों अगर ये ख़राब होता है, इसकी सर्विस अगर हम कराते हैं, तो यहाँ से हमें ये वाल बंद करना है, इस वाल को हमें यहाँ से बंद करना है और ये वाले वॉल को ऑन कर देना है। तो पानी दोस्तों बाईपास हमारा चलता रहेगा सीधा सीधा, पानी की सप्लाई बंद नहीं होगी दोस्तों। ये हो गया प्योरीफायर जो सैंड फिल्टर, सैंड को फिल्टर करता है और जितने भी गंदगी आती है दोस्तों टैंक के अंदर, उसको ये फ़िल्टर करता है दोस्तों। और इसके बाद देखिए दोस्तों आप, ये देखिए ये इनलेट लाइन दूसरी ली है हमने एक, ये इनलेट लाइन से दोस्तों इसमें हमने चेक वाल डाल दिया 1.25 इंची का, इसी में से इनलेट वाल लगा के इनलेट लाइन लिए। ये प्रेशर पंप की इनलेट लाइन होगी 10 की। देखिए दोस्तों, ये AB इंजीनियर्स का ग्रैंड फोर्स का दोस्तों आधे HP का प्रेशर पंप है। ये देखिए इनलेट लाइन ले लिए दोस्तों, और ये देखिए चालू है जिसमें आप, इसमें प्रेशर ऑन है दोस्तों। जैसे ही टंकी ऑन करते हैं ये भी चल जाता है। और इसके बाद दोस्तों देखिए, ये आउटलेट लाइन है, वो यूनियन दिया है, वाल वाल दिया है, और ये कनेक्शन मिला के दोस्तों देखिए इसमें कनेक्शन मार के दे दिया है दोस्तों। ये सब जगह इसकी सप्लाई बढ़ गई दोस्तों। अब आप दोस्तों जैसे कि आप देखते होंगे कि एक जगह इसमें प्रेशर पंप लगा है, प्रेशर पंप से इनलेट लाइन है, और एक लाइन इनलेट जो है ये सादा है। तो इसको मैं बता दूं आपको दोस्तों, ये सादा लाइन जो है ये हमने प्रेशर पंप से कनेक्ट नहीं करी, ये ग्राउंड फ्लोर का, ये ग्राउंड फ्लोर की लाइन है दोस्तों। देखिए टी डाल के इसमें सारा, ये देखिए कनेक्शन बटे हुए हैं सब जगह। ये देखिए एयर पाइप इधर भी लगे हैं, इधर भी दिखाई दे रहे हैं, पूरी छत पर इधर भी दिखाई दे रहे हैं। जहाँ जहाँ एयर पाइप लगे हैं दोस्तों, ये ग्राउंड फ्लोर की लाइन है और इसको हमने प्रेशर पंप से कनेक्ट नहीं किया है। ये देखिए दोस्तों, इसको हमने सादा रखा है। और जो फर्स्ट फ्लोर की और सेकंड फ्लोर की लाइन है उसके लिए हमने सिर्फ प्रेशर पंप इंस्टॉल किया है, जो बढ़िया तरीके से चल रहा है दोस्तों। फिर से मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये देखिए दोस्तों, ये हांडी वाला प्रेशर पंप है, ये इसकी सेंसर केबल है दोस्तों, ये अलराम केबल है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और कुछ अगर जानकारी मुझसे मिस हो गई हो तो आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं, मैं लास्ट में ये बता दूं दोस्तों, अभी ये ऑन नहीं है। जैसे ही ऑन होता है, ये प्रेशर मीटर इसलिए दिए हैं कि इसमें कितना वाटर इनपुट हो रहा है और उतना ही आउटर आउटपुट आउटपुट में आ रहा ही नहीं आ रहा है। ये वाटर प्रेशर इसलिए दिया है दोस्तों, ये प्रेशर मीटर जो दिया है ये इसलिए दिया है। तो कमेंट सेक्शन में दोस्तों ज़रूर बताएँ, बाकी बने रहें, धन्यवाद।